बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। इकामा वालों के मतलब एक अच्छी खबर है और बैटरी भी 3% है, मोबाइल ही ना पहले बंद हो जाए। अच्छा जल्दी करते। अच्छा इकामा वालों के मतलब अच्छी खबर है जी। मैं इसमें हरू वाले भी ऐड कर लूँगा और बदून कफील वाले भी ऐड कर लूँगा। बदून कफील वाले बेसिकली, बदून कफील में सायखा सामर मंजली भी आते हैं लेकिन वो इसमें नहीं है। बदून कफील वाले वो बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मुसस्से कंपनी से भाग जाते हैं या बाहर काम में करने लगते हैं, या वहाँ पर अगर मौजूद है आपका इकामे या इकामा नहीं, कंपनी बना रखी है, ख़त्म है, सैलरियाँ नीचे हैं, आपको छुट्टी या खरूज, छुट्टी खरूज तभी लगे जब इकामे लगेंगे, तो वो भी इसी में आते हैं जी। एक अच्छी खबर है आप तमाम दोस्तों के लिए। मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर की, मेरा ख्याल है कल या दो दिन पहले, जिसमें मैंने इकामा फ़ीस के मतलब आपको भाई वाजह कर दिया था कि 2025 में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इकामे ख़त्म हो जाएंगे। बेसिकली इकामे ख़त्म हो सीधा ही वो पासपोर्ट वाला निज़ाम ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकामे मौजूद होंगे और उसके बाद दूसरी बात ये है कि फ़ीस के मतलब भी कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं। हाँ अलबत्त ये ज़रूर अपडेट आई है कि अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो जाए तो वो 3 दिन का मोहलत उसे दी जाएगी। अभी 3 दिन के बाद उसके ऊपर जो फ़ाइन है 500 रियाल का वो कर दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 1000 रियाल का है। और बहरहाल ये मैंने आपको इकामे के मतलब बताया था। आज की न्यूज़ के मतलब ये है जी कि पाकिस्तान सफारत से है जी बेहतर गुड न्यूज़ है कि पहले पाकिस्तान सफारत से कुछ काम वगैरह रुके हुए थे, आउटपास बनना रुके हुए थे और यह टाइम काफ़ी लग रहा था। मैं आपको तमाम परदेशियों को वाजह कर दूं कि अगर आपका कोई भी मसला है, आपका इकामा एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफील है, सायखा सामान मंजली चाहे बदून कफील के ज़ुमरे में है, आप चाहे आपके मुसस्सा कंपनी में है, आपके इकामे वगैरह एक्सपायर है, मामला आपके ख़राब है, तो उस सूरत में अगर आप लीगल तरीके से खरूज जाना चाहते हैं तो आप भाई व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपने अगर मिसाल के तौर पर आप सफारा जाए बगैर अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मज़ीद मुझसे इस व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। बाकी अगर आप सफारा के नज़दीक हैं तो आप सफारा जाएँ, सफारा जाकर उनको बोल दीजिएगा मैंने खरूज जाना है, यानी कि एग्जिट के तौर पर आप वो फाइल आपकी जमा हो जाएगी। अभी काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं और आउट पास बनना भी शुरू हो चुके हैं हरूब वालों के, तो उसके मतलब बात वही है जी कि आप अगर तफसील भाई पूछ लें, पहले ये पेपर निकलवा कर अपने जो भी मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाया पेपर होता है वो आप निकाल कर अपनी पूरी तफसील उसमें देख लेंगे तो आपको बेहतरी हो जाएगी, आपके लिए आपको आसानी हो जाएगी, आपके भाई 1000 रियाल भी बच जाएंगे और बंदे को कन्फर्म हो जाता है मैं जाकर दोबारा क्या न्यू वीज़ा से वापस आ सकूँगा, ये जो डिटेल है मुकम्मल आपको मिल जाएगी। तो अभी इस फारा से अच्छी खबर है इकामा एक्स वालों के लिए, हरूब वालों के लिए, बदून कफील वालों के लिए, भाई आप अपना काम करवा सकते हैं।